देखिए, पहला गिला कैंडिडेट्स का ये रहा है कि एमसीक्यू क्वेश्चन जो थे इंफॉर्मेशन लेवल के बहुत ज्यादा रहे। जो जिन्होंने इन डेप्थ स्टडी की हुई थी, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी की हुई थी, उनको लगा कि एमसीक्यू ऐसे डाले गए कि उनके साथ इनजस्टिस हुआ है। जिनकी सरफेस लेवल की लर्निंग थी उनको बेनिफिट दिखाई दिया है। पर मेरे ख्याल में ये ऑब्जेक्शन कैंडिडेट सीधा नहीं कर सकते। ये सवाल जो है क्वालिटी असेसमेंट का है, क्वालिटी मेजरमेंट का है। इस पर जो हायर अथॉरिटीज हैं, जो क्वेश्चन सेट करते हैं, जब एमसीक्यू क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट करते हैं, उनको ट्रेनिंग की जरूरत है। लेकिन कब होगा, कैसे होगा, ये दुख इंडिया का बना है, बना ही रहेगा। क्योंकि कितने तरह के टेस्ट जो हुए हैं, कई लोगों ने, कई कैंडिडेट्स ने कंपैरिजन भी किए हैं, तो वो देखा है कि पिछले क्वेश्चन कई बार डाले गए हैं। जैसे हिंदी में यूजीसी नेट के क्वेश्चन डाले गए हैं, तो वहां एक्सपर्ट कमेटी जिसकी आगे जाके बात करेंगे, वो किसको बोलोगे अगर उठाए ही पीछे से क्वेश्चन गए हैं। तो नए इश्यूज रेज हो रहे हैं। एक तो दो यूनिवर्सिटी ने ये कंडक्ट किया है, आपको पता है, कैंडिडेट्स के लिए ये वीडियो, ये जनता के लिए तो नहीं है। तो एक यूनिवर्सिटी और दूसरी यूनिवर्सिटी में हार्मनी दिखाई नहीं दे रही। तीन डिफरेंस, तीन इश्यूज कैंडिडेट बार बार रेज कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, कि ऐसा होने का डिफरेंस के पीछे कहीं कोई गड़बड़ के कारण तो नहीं है, कोई फिर सेटिंग जैसे राजस्थान में होता है या किसी और देश में होता है, स्टेट लेवल की जो टेस्ट जो होते हैं उसमें गड़बड़ के आसार। आप हिस्ट्री देख सकते हो, हमारी करप्ट हिस्ट्री है, कितने जो हमारे पावर और फाइनेंशियल जो पावरफुल पर्संस हैं, कैंडिडेट्स हैं, तो वो आसानी से इनको कैप्चर कर लेते हैं, जीत लेते हैं। एक यूनिवर्सिटी में ओ एम आर शीट पर बार कोड थे, और दूसरी यूनिवर्सिटी के कैंडिडेट्स ने जो टेस्ट दिए उसमें बार कोड्स नहीं थे। बार कोड एक स्पेसिफिक यूनिक आइडेंटिटी एड्रेस होता है जो उस स्पेसिफिक कैंडिडेट का होता है। तो ये ना लगाने के पीछे कैंडिडेट्स ये पूछ रहे हैं कि ये बार कोड ना ओएमआर शीट पर लगाने का कारण कहीं कोई नेगेटिव इंटेंशन तो नहीं है, सिलेक्शन में बायसनेस तो नहीं है ये कारण। दूसरा, कार्बन कॉपी नहीं दी गई, ये बड़ा इशू, उससे भी बड़ा इशू ये लगा। क्योंकि ओएमआर शीट, मुझे ये जानकारी नहीं है कि क्या बार कोड जो है वो ऑब्जेक्टिविटी को कितना पे करता है। जहाँ ओएमआर शीट मैनुअली तो मेरे ख्याल में इतनी जल्दी करना है, मैनुअली तो असेस नहीं होगी। तो ये कोई टेक्निकल कंप्यूटर का शख्स इसे ज्यादा बेटर एक्सप्लेन कर सकता है कि बार कोड ना लगाने से ओएमआर शीट में कैंडिडेट के लिए क्या बायसनेस की प्रोबेबिलिटी बनी रह सकती है। अगर कोई मुझे सूचना मिलती है मैं अपलोड कर दूंगा। लेकिन दूसरी इससे भी बड़ी है कि कार्बन कॉपी जो आपके रिस्पांस थे, रिस्पांस में जो डॉट लगाए हैं यहाँ ए बी सी में, तो वो उसकी कार्बन कॉपी के मैंने कौन से लगाए हैं। एक यूनिवर्सिटी के कैंडिडेट्स को अपनी शीट्स पर टिक लगाने पड़े, जिन्होंने टिक लगाए अब कीज आज आ चुकी हैं, तो कीज आई हैं उन्होंने कंपेयर करना है। अदरवाइज कैंडिडेट का राइट था कि ये कार्बन कॉपी होती है, वो कार्बन कॉपी से अपने जो कीज के साथ मैच करके देखें कि सेल्फ असेसमेंट हो जाती कहाँ स्टैंड करते हैं। ठीक, एक यूनिवर्सिटी क्यों प्रोवाइड कर रही है, कैंडिडेट ये गिला कर रहे हैं कि एक यूनिवर्सिटी क्यों प्रोवाइड कर रही है, दूसरी क्यों नहीं कर रही, क्या दूसरी यूनिवर्सिटी ने फिर कोई बायसनेस तो नहीं रखी हुई। दैट इज वाई। तो कार्बन कॉपी ना प्रोवाइड करने पर कई कैंडिडेट इतराज कर रहे हैं। सेकंड इशू, थर्ड इशू, आप आज कीज आ चुकी हैं, सभी देख चुके हैं एक यूनिवर्सिटी के। एक और बात है कि ये सभी एक यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, कि एक यूनिवर्सिटी में ये तीनों चीजें मिस हैं और दूसरी यूनिवर्सिटी में तीनों चीजें प्रेजेंट है। अच्छा, सेट ये कहा गया था, जैसे कैंडिडेट ये कह रहे हैं कि हमें इंस्ट्रक्शन जो ये दी गई थी कि ए बी सी डी चार सेट आएंगे, लेकिन जब की सामने आई
कि एक यूनिवर्सिटी की ए बी सी डी चार सेट हैं अवेलेबल हैं और दूसरी यूनिवर्सिटी के सिर्फ ए और बी सेट हैं। जब ए और बी सेट होते हैं उनका कहना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ चीटिंग या बायसनेस या गड़बड़ी की यहाँ बढ़ जाती है। ए बी सी डी सेट बनाए क्यों जाते हैं? क्योंकि चीटिंग बायसनेस को कम किया जा सके और ऑब्जेक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। तो उनका तीसरा क्वेश्चन ये है कि ये सी डी सेट क्यों नहीं बनाए गए, क्योंकि ऐसा कहा गया था, ये ऑब्जेक्शन बन रहे हैं। इसके अलावा आप क्वेश्चंस पर ऑब्जेक्शन जो है वो उन्होंने इनवाइट किए हुए हैं। अभी 11:30 हुए हैं, 11:30 बजे आप ऑनलाइन फी पे करके जो है अपने ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो। मैं 2-4 बातें ऑब्जेक्शंस के प्रति कहूँगा। पहले तो अपने जो अपना पेपर है उसको क्रिटिकली एवेल्युएट कर लीजिए। 2-4-5 जितने भी क्वेश्चन ऑब्जेक्शनेबल है वो किसी एक्सपर्ट से डिस्कस कर लीजिए। मेरे ख्याल में पैसा मायने नहीं रखेगा। 500 रुपये पहले 3 क्वेश्चंस के लिए है, उसके बाद अगर चौथा क्वेश्चन है 500, पांचवा है 500 पर क्वेश्चन ऐड होते जाने हैं। ठीक, टाइम बहुत कम दिया गया है, जैसे इलेक्शन के दिन है। 22 साल तो हमें हम जागे नहीं, तो अब कहते हैं ना, महात्मा बुद्ध ने भी कहा था एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। पहले इतनी देर से पोस्ट निकाली नहीं है, अब निकाली है तो इतनी स्पीड से कि आपको सोचने का टाइम नहीं मिल रहा। ये कैंडिडेट बार बार इस पर इतराज आ रहा है जितनी मैंने इंटरव्यूज ली है। अच्छा, तो ये आप सबसे पहले सेल्फ असेसमेंट कर लीजिए, रिकॉग्नाइज कर लीजिए। रिकॉग्नाइज करने के बाद उनको एक्सपर्ट से डिस्कस कीजिए। अगर सोर्स ऑफ इवैल्यूएशन है तो वो डिस्कस कर सकते हो कि वैलिड सोर्स है, बुक है, नेट है। अच्छा, कई क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग या अगर एप्लीकेशन के बेस पर है जहाँ उसकी नॉलेज नहीं मिल रही तो आपको लगता है, ले आप अपना ऑब्जेक्शन कर दीजिए। मनी ज्यादा मेरे ख्याल में नहीं है, और ये बात याद रखनी है, एक बार असेस करके आप सेकेंड टाइम जो है ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते, और फाइनल की आने के बाद आप ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते। आपके ऑब्जेक्शन रखे जाएंगे एक्सपर्ट कमेटी के पास, वो एक्सपर्ट कमेटी जिसने जो पिछले पेपर जो यूजीसी के क्वेश्चन ऐसे डाल दिए, जहाँ जो 6th लेवल के, 8th लेवल के, 10th लेवल के क्वेश्चन आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की सिलेक्शन के लिए डाल दे हैं, उन एक्सपर्ट कमेटी के आगे रखे जाएंगे। वो अच्छी तरह से कंसिडर करेंगे इनको कि हाँ जी भैया, इसको राइट कहना है कि रॉन्ग कहना है। लेकिन एक ऑब्जेक्शन के लिए मैं जो मेरे पास केस आए हैं वो रखूंगा आपके पास, कि जो मिस प्रिंटिंग है, प्रिंटिंग रॉन्ग है। फॉर एग्जांपल, एक एजुकेशन का क्वेश्चन था जिसमें रिलायबिलिटी का क्वेश्चन पूछा गया था, और कुडर रिचर्डसन है एक टेक्निक ऑफ रिलायबिलिटी, तो दूसरा एक मेथड था इससे सी शायद, ये 4th था शायद, चलो कोई वो हो। अब ये इसके स्पेलिंग गलत थे, आप देख सकते हो मेरे पास अभी वो डिजिटल नहीं है, इसके स्पेलिंग गलत थे। कई कैंडिडेट ने, अब मैं ये बता रहा हूं, ये कैंडिडेट है, ये इनको ये पता है कि यार ये तीसरे वाला ठीक है, ठीक लग रहा है, लेकिन जब ये स्पेलिंग गलत है, जब वो स्पेलिंग गलत को सही मान रहे हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि यार ये वाला 4th आंसर जो है वो जो राइट आंसर बन रहा है। तो साइक जो मिस प्रिंटिंग है, जो रॉन्ग मिस प्रिंटिंग है, इंग्लिश में साइकोलॉजिकली कैंडिडेट को कैंडिडेट है ना, इसको डिस्टर्ब कर रही है। तो ये कैंडिडेट कह रहे हैं कि हमारा राइट नहीं है कि हमें स्टेट लेवल का टेस्ट है और जो प्रिंटिंग एरर इतनी है, और बेशक ये कहा गया है कि अगर पंजाबी और इंग्लिश में मैच नहीं है तो इंग्लिश वाले को ठीक समझा जाए, अगर इंग्लिश वाले ठीक नहीं है तो किसको ठीक समझा जाए। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइकोलॉजिकल थ्योरी के हमें स्टिमुलस जो नहीं सही प्रोवाइड किए गए, ये स्टिमुलस है ना, हमें स्टिमुलस रॉन्ग प्रोवाइड किए गए, और दूसरा है कि एक जो उसकी थ्योरी भी है, गेस्टाल्ट थ्योरी भी है, चलो वो डिस्कस नहीं करूंगा। साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब होने के कारण, ये इस गलती के कारण कैंडिडेट की थिंकिंग बदल रही है, और वो किसी और को राइट आंसर लगा देता है, उसका गलत हो जाता है। अगर ये सही प्रोवाइड किया जाए तो वो जिसको मर्जी लगाए तो जस्टिफाइड है, अगर ये प्रोवाइड नहीं किए जाते
स्पेलिंग मिस्टेक्स प्रोवाइड जो ज्यादा होती हैं, एक दो तीन क्वेश्चन में होती हैं, तो दे आर अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिकल बेस पर वो ऑब्जेक्शनेबल बनता है। आप बेशक कहीं भी चले जाओ, जो फंडामेंटल साइकोलॉजी की थ्योरी है, जब क्राइम होता है वो विटनेस को से पूछते हैं कितने डिस्टेंस से देखा, इतनी देर में ये शख्स भूल जाता है कम, वो थ्योरीज पेश करते हैं, हाई लेवल पर होती हैं। तो आप भी अगर आपको स्टिमुलस ही रॉन्ग प्रोवाइड किया गया है तो रॉन्ग रिस्पॉन्स की प्रोबेबिलिटी बन सकती है। और कुछ ने उनको जिन्होंने इन गलत स्पेलिंग को ठीक समझ लिया उनके आंसर और कोई हो गए, और जिन्होंने गलत को मिस स्पेलिंग को जैसे फुडर रिचर्डसन था उसको और कुछ समझा, वी यार वो तो कोई और शख्स है, ये स्पेलिंग कोई और है, तो ये गलती ये ऑब्जेक्शनेबल बनता है कि आपको ऐसी गलती, ये गलतियां आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसके अलावा आप कोई जैसे एक मैथ्स वाले भी कह रहे हैं कि मुझे वो केस पूरा क्लियर नहीं है, तो कि किसी बुक में से अगर एग्जैक्ट उठाए गए हैं तो आप कंसिडर करके या मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, फ़ोन करके बता सकते हैं, जो आपका इशू है मैं अपने चैनल पर रख सकता हूँ। इसके अलावा आपने कोई भी बात करनी है जल्दी जल्दी बात करें, मेरा फ़ोन नंबर है आपके पास, नहीं तो यहाँ दे देता हूँ 8427458843, ठीक है, क्योंकि एक दो दिन है, दैट इज़ वाई टेंशन बनी हुई है इतनी जल्दी, सिलेक्शन अपॉइंटमेंट मैंने कहा था कि गवर्नमेंट बड़ी जल्दी में है, इलेक्शन के दिन है ना, ये द कॉज आप समझिए, अभी भला करना है आप, अब 5-7 दिन में, मैं ये सोच रहा हूँ यार इलेक्शन हर साल क्यों नहीं हो जाते, वैसे अगर 6 महीने भी जो हो जाए तो अच्छी बात नहीं है, ऐसे हर महीने हो जाए तो कितना भला होगा इंडिया का, हैं ये तो चलो देखते हैं। पर आप ऐसे भी चिंता मत कीजिए, अपनी आइडेंटिफाई करके, बेशक आप ऑब्जेक्शन इसलिए कर दीजिए कि आपने अपनी मेंटल टेंशन रिड्यूस, एंजाइटी रिड्यूस करनी है, मेरे हिसाब से ये, क्योंकि मौका बहुत कम है, कल 5 बजे तक आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो, उसके बाद नहीं। कोई भी आपका गिला का क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हो। थैंक यू।